आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। प्रभु के प्रेम की गाथा मन मेरा ये झूमता गाता, प्रभु की कीर्ति सबको सुनाता, प्रभु के प्रेम की गाथा। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। प्रभु प्रतापी है, सामर्थ दिखाता है, दास को उठाता, घमंड को तोड़ता। प्रभु प्रतापी है, आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में प्रफुल्लित है। आत्मा मेरी आनंदित है, अपने प्रभु में यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो। पिता परमेश्वर को धन्यवाद, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो। पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ भी। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु में विश्वास करने वाले ख्रिस्त भक्तों, आज का मिस्सा बलिदान विशेष तौर पर हम लोग एक समारोह के रूप में चढ़ा रहे हैं। आज का दिन है मानव इतिहास में एक पवित्र दिन है और एक ऐसा पैगाम पाने वाला दिन है सारी मनुष्य जाति की मुक्ति के लिए। ईश्वर के द्वारा एक पैगाम आया है, उसको हम आज स्मरण कर रहे हैं और इसका हम समारोह मना रहे हैं। बहुत सारे संदेश हमको आते हैं, बहुत सारे न्यूज़ यानी बहुत सारी खबरें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन संदेशों में सबसे बड़ा संदेश है जो आज का संदेश है, और वो संदेश है ईश्वर के द्वारा भेजा गया संदेश, एक पैगाम सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए और हरेक के लिए भेजा गया एक संदेश है। इस संदेश के द्वारा प्रभु ईश्वर यही कहना चाहता है, हरेक मनुष्य को प्यार करता है। संसार के शुरुआत से लेकर अभी तक मनुष्य जाति के लिए आने वाला संदेश और ये ईश्वर का संदेश सबसे महान है। आज प्रभु के शरीर धारण के संदेश का समारोह मना रहे हैं, इसी संदेश के द्वारा मानव जाति की मुक्ति हुई, हम सब मनुष्यों की मुक्ति हुई, इसको हम लोग याद कर रहे हैं। यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में सबसे पहले ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है, इसको हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। आज इस वचन को फिर से सुनेंगे और इस पर फिर से हम लोग मनन चिंतन करेंगे, आज ये हमें क्या संदेश देता है। नबी यिर्मयाह कहते हैं, प्रभु की वाणी मुझे ये कहते हुए सुनाई दी। यिर्मयाह का ग्रंथ 1:4 से आगे है,
वो कहते हैं, प्रभु की वाणी मुझे ये कहती हुई सुनाई पड़ी, माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इस संदेश के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। ईश्वर ने नबी यिर्मयाह को ही नहीं, हरेक मनुष्य को चुना है। उसकी अपनी परिस्थिति में जैसा कैसा है, वैसी उसी परिस्थिति में ईश्वर ने मनुष्य को चुना है और हमें एक नाम दिया है। हम लोग अपनी माता के खोक में थे, माता के गर्भ में थे, तभी से ईश्वर ने हमको चुना है, तब से वो हमें प्यार करता है। और इसके सबूत के रूप में आज वो गैब्रियल दूत के द्वारा एक संदेश माता मरियम के पास भेजता है। ये पैगाम मानव जाति की मुक्ति का है, इसे हम स्वीकार करें। आइए इस मिस्सा बलिदान योग्य रीति से चढ़ाने के लिए और इस मिस्सा बलिदान के द्वारा अनगिनत वरदानों को, कृपाओं को, आशीषों को पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करते हैं। हमारे भूल चूक की वजह से, हमारे मनोविकारों की वजह से, एक दूसरे के खिलाफ जो मन मुठाव है, अपने परिवार में, अपने पड़ोस में और अपने गांव में और अपनी रिश्तेदारी में जो भी रंजिश है, मन मुटाव है और जो भी अड़चने हैं, जिसकी वजह से प्रभु की कृपा हमारे जीवन में नहीं आती है, हम लोग इसके लिए क्षमा याचना करें, अपने आप को शुद्ध करें। जब हम अपने आप को शुद्ध करते हैं तब प्रभु की कृपा, प्रभु की आशीष झरने की तरह हमारे जीवन में बहती आती है, उसे हम स्वीकार करें। आइए हम अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं। भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर। प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, क्रीस्त प्रभु वर क्षमा करो, क्षमा करो भगवन, भगवन दया करो, भगवन दया करो हम पर, क्षमा करो भगवन दया करो, भगवन क्षमा करो भगवन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा, महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा। धन्य धन्य कहते गुण गाते, धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी आराधना करते हैं हम, तेरी स्तुति सब गाते हैं। महिमा 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 ऊंचे नभ
में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है यीशु ख्रीस्त इकलौते पुत्र है तेरा गुण सब गाते हैं महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा जगत के सारे पाप के हारक हम पे दया तू रखना सदा पिता के दाएं विराजता तू विनती हमारी सुन ले प्रभु महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में पवित्र आत्मा के संग तू है पावन तू ही प्रभु है पिता की महिमा सर्वपरि है तेरी महिमा होती रहे महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा 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 ऊंचे नभ में महिमा हम प्रार्थना करें हे प्रभु तेरी इच्छा थी कि तेरा अनादि शब्द कुंवारी मरियम के गर्भ में मानव शरीर धारण करे हम विश्वास करते हैं कि हमारे मुक्तिदाता यथार्थ ईश्वर और मनुष्य हैं ऐसी कृपा कर कि हम उनकी ईश्वरता के सहभागी बने उन्हें हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा पहला पाठ नबी इसाइयास का ग्रंथ प्रभु ने अखाज से कहा चाहे अधोलोक की गहराई से हो चाहे आकाश की ऊंचाई से अपने प्रभु ईश्वर से अपने लिए एक चिन्ह मांगो अखाज ने उत्तर दिया जी नहीं मैं प्रभु की परीक्षा नहीं लूंगा इस पर उसने कहा हे दाऊद के वंश मेरी बात सुनो क्या मनुष्यों को तंग करना तुम्हारे लिए पर्याप्त नहीं है जो तुम ईश्वर के धैर्य की भी परीक्षा लेना चाहते हो प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देगा और वह यह है एक कुंवारी गर्भवती है वह पुत्र प्रसव करेगी और वह उसका नाम इमानुएल रखेगी जिसका अर्थ है प्रभु हमारे साथ है यह प्रभु की वाणी है ईश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाद के हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान इसलिए मैंने कहा देख मैं आ रहा हूँ अनुवाद के हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है तेरे नियम मेरे हृदय में घर कर गया है अनुवाद के हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूं। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया तू जानता है कि मैंने अपना मुँह मन नहीं रखा अनुवाद के हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ मैंने तेरी न्यायप्रियता को अपने हृदय में नहीं छिपाया मैंने तेरी न्यायप्रियता का बखान किया मैंने तेरा प्रेम और तेरा सत्य नहीं छिपाया बल्कि सबों के सामने उनका बखान किया है अनुवाद के हे प्रभु मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 10 पवित्र वचन 4-10 तक हे ईश्वर
मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा है, सांडों तथा बकरों का रक्त पाप नहीं हर सकता। इसलिए मसीह ने संसार में आकर यह कहा, तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मेरे लिए एक शरीर तैयार किया है। तू ना तो होम से प्रसन्न हुआ और ना प्रायश्चित के बलिदान से। इसलिए मैंने कहा, हे ईश्वर, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ, जैसा कि धर्म ग्रंथ में मेरे विषय में लिखा हुआ है। मसीह ने पहले कहा, तूने यज्ञ चढ़ावा होम अथवा प्रायश्चित का बलिदान नहीं चाहा, तो उनसे प्रसन्न नहीं हुआ, यद्यपि ये सब संहिता के अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। तब उन्होंने कहा, देख, मैं तेरी इच्छा पूरी करने आया हूँ। इस प्रकार वह पहली व्यवस्था को रद्द करते और दूसरे का प्रवर्तन करते हैं। यीशु मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। खुशी की हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का जन 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 के मन में हम फैलाए। गीत खुशी के हम गाए, प्रभु को हम अपनाए, वचन प्रभु का हर जन जन के मन में हम फैलाए। गाए अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। देखिए, आप गर्भवती होंगी और पुत्र प्रसव करेंगी। स्वर्गदूत गैब्रियल ईश्वर की ओर से गलीलिया के नाजरेत नामक नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के यूसुफ नामक एक पुरुष से हुई थी और उस कुंवारी का नाम था मरियम। स्वर्गदूत ने उसके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम, प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। वह इन शब्दों से घबरा गई और मन में सोचने लगी कि इस प्रणाम का क्या अभिप्राय है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, मरियम, डरिए नहीं, आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त है। देखिए, आप गर्भवती होंगी, पुत्र को प्रसव करेंगी और उसका नाम यीशु रखेंगी। वो महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर ने उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वो याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। पर मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे हो सकता है, मेरा तो पुरुष से संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। देखिए, बुढ़ापे में आपकी कुटुंबनी एलिजाबेथ के भी बेटा होने वाला है।
अब उसका जो बांझ कहलाती थी छठा महीना हो रहा है, क्योंकि ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका खतन मुझ में पूरा हो जाए। और स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। ये प्रभु का सुसमाचार है, क्रिस्त की जय। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज प्रभु के शरीर धारण का समारोह हम लोग मना रहे हैं, यानी कि शब्द देह बना, शब्द ने शरीर धारण किया। और ये पैगाम माता मरियम के पास आया, इसका मकसद क्या है और इससे हमें क्या संदेश मिलता है? इससे एक महान संदेश मिलता है जो बाइबल में लिखा हुआ है, और इसका एक सबूत है, ईश्वर के द्वारा एक सबूत है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और आगे। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और आगे। ये शब्द और ये वचन इस प्रकार हैं, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया। ये सबसे बड़ा सबूत है, बाइबल में लिखा गया है। यूहन्ना लिखता है कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो। जो भी मनुष्य ईश्वर में विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो, क्योंकि ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है, उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। शब्द ने देह धारण ना किया होता तो अनंत जीवन मनुष्य कैसे पाता? मनुष्य को अनंत जीवन पाने के लिए शब्द को देह बनना पड़ा। और यही आज हम समारोह मनाते वक्त ये सबूत भी हम ईश्वर से दिया हुआ इस सबूत भी हम पाते हैं। ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए, हमारी पापों की गिनती करे, हम पर दोष लगाए, हम पर इल्ज़ाम लगाए। इसलिए प्रभु यीशु इस संसार में नहीं आए। प्रभु कहते हैं, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। हम लोग इसको फिर से ध्यान से सुने, मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। ये शब्द भी हमें याद रखना है, पापियों को बुलाने आया हूँ तो पापी पापी रहेंगे, हम सब पापी रहेंगे, ये नहीं है। मैं धर्मियों को नहीं पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। इसीलिए शब्द जो है देह बना है, ईश्वर ने प्रभु यीशु को इसलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे, संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ये मनुष्य के इतिहास में, मानव इतिहास में एक सबसे बड़ा पैगाम, सबसे बड़ा संदेश और सबसे बड़ी घटना है। सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए प्रभु यीशु का शरीर धारण करना बहुत ज़रूरी था। ये भी दर्शाता है कि ईश्वर हमें प्यार करता है, ईश्वर हमें प्यार करता है, ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण बाइबल में हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से लेकर हम लोग अगर पढ़ेंगे तो हरेक ग्रंथ में ईश्वर के प्यार के बारे में वर्णन किया है। सबसे पहला उदाहरण उत्पत्ति ग्रंथ में हम देख सकते हैं। ये उदाहरण ये है जो वचन में लिखा गया है, ईश्वर ने सब कुछ बनाया, सब कुछ की सृष्टि की उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। और उत्पत्ति ग्रंथ में 1:26-27 और आगे ईश्वर कहता है, चलो हम मनुष्य को बनाते हैं, चलो हम मनुष्य को बनाते हैं। जब प्रकाश को बनाया तब ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, तब ईश्वर ये नहीं कहता है चलो हम प्रकाश बनाते हैं, नहीं, ईश्वर ने सब कुछ की रचना की और आखिर मनुष्य की रचना की। और उस वक्त क्या करता है ईश्वर? कहता है चलो हम मनुष्य को बनाए। वो किससे कहता है?
अपने पुत्र और पवित्र आत्मा से। इसी ट्रिनिटी वहाँ पे विद्यमान थी, ट्रिनिटी वहाँ पे त्रित्व जो है वहाँ पे विद्यमान था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, वो तीनों वहाँ पे उपस्थित थे। तो मनुष्य की रचना के समय चलो हम मनुष्य को बनाएं, तो वहाँ पे ट्रिनिटी पिता पुत्र और पवित्र आत्मा वहाँ पे उपस्थित थे, तभी ईश्वर कहता है चलो हम मनुष्य को बनाएं। प्रकाश बाकी सब चीज़ों के लिए वो पुत्र और पवित्र आत्मा को साथ नहीं बुलाता है। वहाँ पे लिखा गया है बाइबल में, वचन में लिखा गया है चलो हम मनुष्य को कैसे बनाएं, अपने प्रतिरूप में बनाएं, अपने प्रतिरूप में बनाएं। अपने प्रतिरूप में बनाना, इन द इमेज एंड लाइकनेस ऑफ गॉड, वी आर द इमेज एंड द लाइकनेस ऑफ गॉड। अपने प्रतिरूप में ईश्वर बनाता है तो दूसरा सबूत हो गया कि ईश्वर हमें बहुत प्यार करता है। हमने देखा होगा माताओं को, बहनों को, हम लोगों ने देखा है जो गर्भवती हैं और जिनको मालूम है कि एक बच्चे का उन्हें प्रसव करना है और उनके ज़िंदगी में एक नए बच्चे को जन्म देना है, तो वो तैयारी करती हैं। क्या तैयारी करती हैं? बहुत सारी माताओं को, बहनों को हम लोगों ने देखा है छोटे छोटे जुराब बनाते हुए, सॉक्स, उलन के सॉक्स, या छोटी छोटी टोपा बनाते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें वो क्या करते हैं ऊन को लेकर वो बनाती हैं। क्यों? आने वाले बच्चे को जो पैदा नहीं हुआ है वो अपनी कोक में ही माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, तभी वो इन चीज़ों को बनाती है, इसकी तैयारी करती है। बच्चा पैदा होने के पहले ही दोनों माता पिता इस बच्चे की आगमन के लिए और इस बच्चे को आने के लिए उसकी तैयारी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, बहुत सारी प्लानिंग, बहुत सारी योजनाएं होती हैं। हमारा बच्चा होगा तो हम क्या क्या करेंगे, क्या क्या खरीदना है, क्या शॉपिंग करनी है, अपनी अपनी परिस्थिति और अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ये लोग करती हैं, ज़रूर करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हर कोई करता है, क्योंकि आने वाले बच्चे को वो बहुत प्यार करते हैं। ईश्वर का आने वाला बच्चा जो है, जिसको वो बहुत प्यार करता है, वो है मनुष्य है। तो उसके लिए काफ़ी ज़रूरतें हैं, उसके लिए काफ़ी ज़रूरतें हैं। तो सब ज़रूरतों को, सभी आवश्यकताओं को ईश्वर ने सबसे पहले बनाया और उसके बाद मनुष्य की रचना करता है, ये कहता है, ये हमें एक उदाहरण ये कहता है कि ईश्वर जो है मनुष्य को बहुत प्यार करता है। तो उत्पत्ति ग्रंथ से ही हम देखते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ से हम देखते हैं और एक ग्रंथ में ईश्वर के प्रेम के बारे में बताया गया है। उत्पत्ति ग्रंथ से ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपना ही रूप दे दिया, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है, सबूत है। उसके लिए जो जो चाहिए सब कुछ बनाया, ये भी सबूत है। आने वाले जो बच्चे के लिए जो चाहिए ईश्वर ने सब कुछ बनाया संसार में, जो मनुष्य की ज़रूरत पूरी करता था, आवश्यकताएँ पूरी करता है, सब चीज़ों को बनाता है और उसके बाद मनुष्य की रचना करता है। ईश्वर नर और नारी के रूप में दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तभी उसकी रचना जो है पूरी होती है। मनुष्य में ईश्वर की रचना है वो पूरी होती है, नर और नारी दोनों की वो सृष्टि करता है। ये हमें यही बताता है कि ईश्वर मनुष्य को प्यार करता है। बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे मिस्सा की शुरुआत में मैंने कहा नबी यिर्मयाह का ग्रंथ पहला अध्याय, उसमें अध्याय 4 में माँ की कोख में जन्म लेने से पहले मैंने तुमको जान लिया है और मैंने तुम्हें प्यार किया है, इसका विवरण उसमें हम पढ़ते हैं। और मैंने तुम्हें राष्ट्रों का नबी बनाया है, सिर्फ यिर्मयाह को नहीं, हर एक मनुष्य को ईश्वर ने राष्ट्रों का नबी बनाया है, एक सुसमाचार देने के लिए, एक संदेश देने के लिए। इसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रियलाइज़ नहीं करते हैं, इसका हमें एहसास नहीं है। हम सब नबी के रूप में ईश्वर ने हमें चुना है, लेकिन हम वो कार्य नहीं करते हैं। और इसाईया नबी के ग्रंथ में 49 में इसको हम बार बार पढ़ते हैं, लेकिन कितना समझते हैं? 15-16 में ये लिखा गया है कि क्या एक माँ, क्या एक स्त्री अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है? कवियों ने, बहुत सारे लेखकों ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, ज्ञानियों ने माँ के प्यार का, माँ का जो प्यार है उसका मिसाल दिया है, उसका उदाहरण दिया है। इतनी सारी घटनाएं हैं, इतनी सारी कहानियां हैं, माँ
अपने बच्चे को कैसे प्यार करती है। मैंने एक तो बता दिया आने वाले बच्चे के लिए माँ कैसे तैयारी करती है, पहले से तैयारी करती है, तो माँ अपने बच्चे को कभी भूल नहीं सकती है, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन ईश्वर कहता है अगर वो भी भूल जाए मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। ईश्वर कहता है अगर माँ अपने बच्चे को क्या भूल सकती है, वो नहीं भूलेगी, तो मैं तुम्हें कैसे भूलूंगा। मैंने तुम्हारा नाम कहाँ लिखा है, अपनी हथेली में लिखा है। इसाया नबी का ग्रंथ जो है उसमें 49वां अध्याय है और 15-16 में यही बताया गया है, मैं तुमको नहीं भूलूंगा और तुम्हारा नाम मैंने कहाँ लिखा है, और कहीं नहीं लिखा है, अपनी डायरी में लिख के बंद नहीं किया है, अपनी हथेली पर लिखा है। हथेली कहाँ होती है, हथेली बिल्कुल सामने हमेशा दिखाई देती है। जो भी याद करने के लिए लोग जब अपने पास मोबाइल नहीं थे, किताबें नहीं थी, कहाँ लिखते थे, अपनी हथेलियों पर कुछ लिखते थे याद करने के लिए। तो ईश्वर ने हमारा नाम जो है अपनी हथेली पर लिखा है, ये हमें सबूत देता है कि ईश्वर हमें बहुत ही प्यार करता है। और बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, आखिरी सबूत जो मैं आज मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिसको मैं फिर से पढ़ता हूँ, संत यौहन ने दिया है। संत यौहन प्रभु के नज़दीक था, प्रभु के प्रेम को महसूस किया, अनुभव किया, और उस अनुभव से वो लिखता है। संत यौहन का सुसमाचार अन्य सुसमाचारों की तरह नहीं है, सभी सुसमाचार अच्छे हैं, लेकिन संत यौहन ने एक साक्षी के रूप में, एक अनुभव के रूप में, एक विशेष एहसास के रूप में लिखा है। और वो एहसास वो दिलाता है, ईसा जो है संसार का मुक्तिदाता है। आज वो शब्द ने देह धारण किया, उसका समारोह मनाते समय इसको हम फिर से सुनेंगे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया, ये सबूत है कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। अपना दाहिना हाथ उठाकर हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तूने शरीर धारण कर ये दिखाया प्रभु, अपने जीवन के द्वारा, अपने दुख संकट के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु तूने हमें ये सबूत दे दिया है कि तू हमें प्यार करता है, हमारा ईश्वर सृजनहार हमें प्यार करता है। हे प्रभु, इसको हमेशा हमें महसूस होने दे, इसका एहसास हमेशा हमारे दिल में होने दे, ये हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम अपना विश्वास प्रकट करें, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, अपनाए गए, अपनाए गए, और अधोलोक में उतरे, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है, और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सभा, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाई बहनों, क्रिस्त भक्तों, हम प्रार्थना करते हैं, आज हम पूरे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करें। हमारा सृजनहार पिता परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए उन्होंने सबसे कीमती तोहफा उसने अर्पित किया है, और वो है प्रभु यीशु। इस कीमती तोहफे को उसने हमें दिया है क्योंकि वो हमें बहुत ही प्यार करता है। हम अपनी प्रार्थनाओं को भी प्रभु के चरणों में रखते हैं। हम प्रार्थना करते हैं अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, एक दूसरे के लिए। हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं है। सबको प्रभु के चरणों में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब अपने निवेदनों को, अपनी स्तुति को, अपनी जो भी प्रशंसा है, कृतज्ञता है, धन्यवाद है, इन सबको प्रभु के चरणों में रखते हुए प्रभु से आशीष और कृपा मांगते हैं। हे प्रभु, तू हमें वही प्रदान कर जो हमें अच्छा लगता है, वो नहीं लेकिन हमारे लिए अच्छा होता है। हमारे लिए क्या अच्छा होता है तू जानता है, उसे तू हमें प्रदान कर, ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। Thank you.
तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं प्रण करो हे प्रभु तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं प्रण करो हे प्रभु दाख से रोटी की भेंट चढ़ाते हैं यीशु मसीह के संग हर्षित आते हैं ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग ग्रहण करो प्रभु हम सब जन को इन उपहारों के संग तन मन धन सब अर्पण है तब चरणों में प्रभु जीवन अपना लाए हैं ग्रहण करो हे प्रभु ग्रहण करो हे प्रभु प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर तू मनुष्य को बहुत ही प्यार करता है इसलिए तूने अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा है हे प्रभु आज हम पूरे विश्वास के साथ तुझ पे भरोसा करते हैं साथ ही साथ प्रभु तेरे प्रेम को महसूस करते हैं इसलिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाते हैं विशेष तौर पर ये रोटियाँ और दाखरस तुझे चढ़ाते हैं इस रोटियाँ और दाखरस को प्रभु अपने पुत्र के शरीर और लहू में बदल दे और हमें कृपा और आशीषों से भर दे ये हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा आमीन प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी प्रभु में मन लगाइए हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें ये उचित और आवश्यक है हे पूज्य पिता ये परम उचित है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें इन्हीं के विषय में स्वर्गदूत ने धन्य कुवारी को संदेश दिया कि ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मनुष्यों की मुक्ति के लिए मनुष्यों के बीच जन्म लेंगे मरियम ने इस संदेश पर विश्वास किया और अपने निष्कलंक गर्भ में बड़े प्रेम से क्रिस्त को वहन किया वे इस संसार में आए इज़राइल से की गई प्रतिज्ञाएं पूरी हों तथा सब राष्ट्रों को इनकी आशा के परे मुक्ति मिले इन्हीं के द्वारा समस्त दूतगण तेरे प्रताप की आराधना करते और तेरे सम्मुख सदा सर्वदा आनंद मनाते हुए एक स्वर से गाते हैं पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है स्वर्ग में प्रभु की जय धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं स्वर्ग में प्रभु की जय हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे निवेदन करते हैं तू ये उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का शरीर तथा रक्त बन जाए जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसमें से लो और खाओ ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा तुम सब इसमें से लो और पियो ये मेरे रक्त का कटोरा है नवीन अनंत व्यवस्थान का रक्त
जो तुम्हारे और सबकी पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा, तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जीवन की रोटी तू, जीवन का दारस तू, घोषणा करते हम तेरे पुनरागमन की। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नेशियस रैंटनी और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुदिले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुदिले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। हम अपने रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को, सगे संबंधियों को, सबको हम याद करते हैं जो हमसे पहले गुजर गए हैं प्रभु, और शांति की नींद सो रहे हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सकें तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। सब लोग अपने हाथ वेदी की तरह बढ़ाएं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना सिखाई है और इस प्रार्थना के द्वारा हम सबको ईश्वर की संतान का दर्जा दिया है। हम सब प्रभु यीशु के भाई बहन बन गए हैं। इसलिए इसी विश्वास और भरोसे के साथ पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हुए पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को दोहराते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम हमारे अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, देखिए प्रभु यीशु ख्रिस्त जो हमारे हृदय में बस जाएंगे, हमारे हृदय को, हमारे शरीर को, हमारे जीवन को प्रकाश से, रोशनी से, ज्योति से, कृपा से, आशीष से भर देंगे। इसी प्रभु यीशु को हम अपनाएं। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप पर लेता है, धन्य वे जो प्रभु के बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु मैं शिव्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ में देखिए शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम प्रसाद के प्रभाव से हमारे हृदय में ये विश्वास दृढ़ कर कि कुवारी मरियम से जन्मे तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त यथार्थ ईश्वर और मनुष्य हैं, उसके मुक्तिदायक पुनरुत्थान के फलस्वरूप हम अनंत सुख पा सकें, ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रिस्त की शांति आपके साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
करुणामयी आनंददायिनी ममता से भर दे हमें सबकी सहायिनी हे देव माता सहारा तू देना हमें तू करुणामयी आनंददायिनी ममता से भर दे हमें सबकी सहायिनी